Assalamu alaikum. Projectile motion part 2. Previously हमने part 1st में देखा projectile motion की definition क्या होती है, उसके examples क्या होती है और upon what assumptions does it depend. अब उसके बाद क्या है, various types of projectile motions क्या है, expressions क्या है, so we will move forward. तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. पहले हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन लेंगे. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो डेफिनेशन कुछ यू है. व्हेन एवर ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम सर्टेन हाइट, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. इसी तरह ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है. Whenever a body is projected at some angle with the horizontal, it is called oblique projectile motion. थोड़ा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. बोर्ड पर मैं इसकी फिगर बनाने की कोशिश करूँगा. कुछ ऐसा. ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की फिगर बनाता हूं. यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ हाइट है, यहां से यहां तक हाइट. किसी हाइट से हमने कोई चीज, मान लीजिए बॉल उठाई मैंने या कोई पत्थर उठाया और वो पैरेलल टू द अर्थ मैंने फेंका. पैरेलल टू द अर्थ मैंने पैरेलल डालने की कोशिश की विद सम इनिशियल वेलोसिटी, मगर वो ऐसे गया अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. तो इसको मैं कहूंगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. इसी तरह दूसरा होता है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. उसको उसकी फिगर कुछ ऐसी हो सकती है. आपने फिर एक पत्थर उठाया और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपने किसी एंगल पर इसको प्रोजेक्ट किया. आपने कोशिश की थी ऐसे पत्थर लगाने की, मगर वो फिर वो ऐसे गया. तो इसने फिर पैराबोलिक पाथ ट्रावर्स की. तो इसको कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. इसको कहेंगे ओब्लिक ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. पहले हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि इसकी एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल हम प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कहा कि इस ये पैराबोलिक पाथ बनाता है. मे बी ये पैराबोलिक ना बनाता हो, मे बी स्ट्रेट लीनियर हो. तो हम कैसे माने, हमको कैसे यकीन आए कि नहीं ऐसा है कि ये पैराबोलिक पाथ ही हमेशा बनाता है. लेट्स हैव सम पेशेंस एंड लेट अस डिस्कस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन फर्स्ट. कुछ ऐसा हमने किया. आपने एक बॉडी ली, एक बॉल ली आपने किसी हाइट से. मान लीजिए वाई यहां पर मैंने रखा, इसको एक्स रखा किसी हाइट से, और आपने इसको पार्लर टू द अर्थ डाला, मगर ये ऐसे नहीं रहा, ये फिर ऐसे गया. ऐसा क्या हो, क्यों हो गया, क्या हो गया, या इसने क्यों पैराबोलिक पाथ फॉलो की, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड है, वो विल डिस्कस. हम बोलेंगे इसको एक्सप्रेशन फॉर पैराबोलिक पाथ. पैराबोलिक पाथ क्यों, कैसे बनाता है. तो अगर हम देखेंगे इस प्रोजेक्टाइल को, इस बॉल को, जब हम इसको फेंकते हैं, इट कम्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और ये स्ट्रेट मूव करने की कोशिश भी करता है, क्योंकि हमने इसको पैरेलल टू द अर्थ फेंका होता है, मगर ये पैरेलल नहीं रहता, फिर ये ऐसे मूव करता है. दैट मीन्स ये दो टाइप्स ऑफ मोशन फॉलो करता है. एक तो ये फॉलो करता है हॉरिजॉन्टल मोशन, दूसरा ये करता है वर्टिकल मोशन. एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रावर्स करता है, दूसरा ये वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रावर्स करता है. ठीक है, तो दैट मीन्स इस प्रोजेक्टाइल में दो मोशंस आती है, हॉरिजॉन्टल मोशन भी आती है और
वर्टिकल मोशन भी आते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन, ये दो सेपरेट थिंग्स है. फॉर एग्जांपल व्हाट आई मीन टू से सेपरेट, मान लीजिए एक कॉइन है, कॉइन एक ही है मगर उसके दो साइड्स है, हेड अलग है टेल अलग है, मगर हेड और टेल बोथ बिलोंग टू द सेम कॉइन. लाइकवाइज बॉडी एक है मगर इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन भी है, इसकी वर्टिकल मोशन भी है, आइडेंटिटी दोनों की अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल अब हम कैसे डिस्कस करेंगे इसका पैराबोलिक पाथ कैसे बनता है, मैं पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करूं, मैं इसलिए कहूं फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन मैं कहना क्या चाहता हूँ, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन हमें तो ये पहले से पता होता है, एक डिस्टेंस फार्मूला होती है, वो ये है यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर, वेल एस्टेब्लिश्ड फार्मूला है. जब मुझे किसी चीज़ की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है तो मैं लगाता हूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक इक्वेशन है. तो यहाँ पर फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या लूँ, हॉरिजॉन्टल मोशन में सबसे पहले आप जो ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है ये हमारे लिए एस इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स एस के बदले में एक्स रिप्लेस करूँ. रही बात इस यू की, यू यू के बराबर है जो ये था, इसमें कोई शक नहीं. नेक्स्ट जहां पर थोड़ा आपको परेशानी होने लगेगी, दैट इज दिस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो ये कैसे होता है, ए इज इक्वल टू जीरो जहां पर इंसान को ये सब कुछ समझ में आता है मगर यहां पर ए में परेशानी होती है. बेसिकली ये जो यहां पर हॉरिजॉन्टल मोशन है इसमें हम इसका जो रोल होता है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के मुताबिक होता है. न्यूटन बोलता है एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट स्टेट ऑफ मोशन, इन इट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी. हमने देखा कि जब जब हम बॉल हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो अगर उस पर कोई इफेक्ट ना हो, कोई फोर्स एक्ट ना करता हो, इट विल कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर विद द सेम वेलोसिटी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा. अगर हम कभी यू भी कहें कि एज पर न्यूटन के एज पर न्यूटन अगर हम गाड़ियों में पेट्रोल ना डालें और फ्रिक्शन ना हो द गाड़ियां तो पेट्रोल के बगैर भी तब फॉर एवर चल सकती है इवन विद एवर पेट्रोल, क्योंकि वहां पर हम बोलते हैं वेन एवर द एवरीबॉडी कंटिन्यूस इन इट स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी. यहां पर एक्सटर्नल एजेंसी जो बनती है गाड़ियों को रोकने के लिए वो फ्रिक्शन होता है. अगर फ्रिक्शन हम खत्म करें तो गाड़ियां तो फॉर एवर चलती रहेगी, कोई भी बॉडी चलती रहेगी फॉर एवर. लाइकवाइज यहां पर जो ये है कि ये तो हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन में मैं कहता हूं कि यहां पर वर्टिकल का रोल नहीं है, यहां पर हॉरिजॉन्टल मोशन का रोल है. मैं बोलता हूं ए इज इक्वल टू जीरो किस बिना पर, मैं कहता हूं ए इज इक्वल टू, यहां पर सिट्रोजनी की जरूरत है, किस बिना पर मैं कहता हूं, बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के मुताबिक मैं ये कहता हूं एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. जब मैं बोलूं यूनिफॉर्म मोशन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी बोलूं, दैट मीन्स देयर इज नो एक्सेलरेशन एट ऑल. जब मैंने यू से इसको फेंका इट विल कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर विद द सेम वेलोसिटी यू. तो उसके मुताबिक अगर मैं देखूं इस ये किसके बराबर निकलेगा, इंप्लाइज मैं बोलूंगा एक्स इज इक्वल टू यू और टी, यहां पर आएगा ये यू और ये टी, इंप्लाइज टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू, ये भी हो मान सकते हो, यस बिल्कुल, क्योंकि जब मैं बोलूं यहां पर x इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू, मुझे बोला है जीरो टी स्क्वायर, जीरो टी स्क्वायर, तो उसके मुताबिक अगर मैं बोलूं जीरो टू टी स्क्वायर के मुताबिक अगर मैं बोलूं, चलो यहां पर और एक स्टेप बढ़ाते हैं, तो मैं बोलूंगा फिर इम्प्लाइज x इज इक्वल टू यू टी, क्योंकि यह तो जीरो है, तो इम्प्लाइज t इज इक्वल टू एक्स बाई यू, टाइम इसके बराबर निकला. हम कोशिश क्या करते, हम कोशिश करते कि पैराबोलिक पाथ कैसे बनाता है, हम कैसे यकीन माने कि ये पैराबोलिक ही हमेशा बनाता होगा. लाइकवाइज अब मैं तो ये तो मैंने फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात की, अब मैं इसी को लूं फॉर वर्टिकल मोशन की बात मैं करूं, फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन मैं फिर यही लूं एस्टेब्लिश्ड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर. यहां पर s फिर आप अच्छी तरह देख सकते हो कि एक s के बदले में y ले सकता हूं, यहां पर y है, बिल्कुल सही. फिर u क्या है,
और ए क्या है, यहां पर सिट्रजिनी की जरूरत है, यहां पर प्रॉब्लम होती है। यहां पर मैं पहले बताऊं, बॉडी तो नीचे आ रही है, क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं फिर वही न्यूटन की बात कहूं, न्यूटन बोलता है फॉरएवर ये चलती रहेगी, कि मैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहा था, उसमें तो इसका रोल ही नहीं बनता है फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तब बनेगी जब चेंज इन वेलोसिटी होगी, बिकॉज एक्सेल मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। जब मैं बोलता ही नहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मैं बात ही नहीं करता हूं, दैट मीन्स यू यू रहेगा और ए इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही नहीं। नेक्स्ट, अब यहां पर हम देखते हैं, यहां पर यू, अब यहां पर यू किसके बराबर होगा? अगर अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो ऊपर यहां पर जीरो में मान सकता हूं इसकी वेलोसिटी जीरो, और ए इज इक्वल टू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी होगा। तो क्योंकि इसमें ये वर्टिकल कंपोनेंट की बात है, इंप्लाइज ये बनेगा वाई इज इक्वल टू जीरो इंटू टी प्लस वन बाई टू जी टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू वन बाई टू जी टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू वन बाई टू जी टी के बदले में ये लिखूंगा x बाई यू होल स्क्वायर, यू कैन चेक इट आउट। तो y इज इक्वल टू जी बाई टू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, y इज इक्वल टू जी बाई टू यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस तरह में बोल सकता हूं। इंप्लाइज y इज इक्वल टू के कैसे, क्योंकि ये जो टू है कॉन्स्टेंट है, यू कॉन्स्टेंट जी कॉन्स्टेंट, तो के लिख सकता हूं। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ, ये जो रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जो हमारे पास होता है वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अगर मैं सी कट भी करूं, बी एक्स भी कट करूं, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें स्क्वायर मौजूद होता है। तो लाइक वाइज ये वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा ग्राफ जो होता है वो पैराबोला होता है, लीनियर नहीं होता है। लीनियर तब होता है जब स्क्वायर नहीं होता, अगर के एक्स में बोलूं तो दैट इज अ लीनियर ग्राफ, मगर यहां पर के एक्स स्क्वायर है। के स्क्वायर मींस कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक में हमेशा जो होता है ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है, दैट मींस जो ये पाथ ट्रावर्स करता है प्रोजेक्टाइल, ये पैराबोलिक इन नेचर होता है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन, वस्सलाम।